राहुल के बाद केजरीवाल निकालेंगे यात्रा, लाखों लोग देंगे साथ, देखते रह जाएंगे भाजपा वाले। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ तीसरे विकल्प का सपना देखते हुए दम भर रही है। 13 मार्च को जयपुर में आप सुप्रीमो व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आएंगे, जो तिरंगा यात्रा के बहाने चुनावी शंखनाद करेंगे। इस रैली को सफल बनाने तथा अब तक के सदस्यता अभियान की समीक्षा के लिए राज्यसभा सांसद संदीप पाठक तथा प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा झुंझुनू के नवलगढ़ पहुँचे। उन्होंने यहाँ पर सदस्यता अभियान में शानदार काम करने वाले आप कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। इस मौके पर पाठक और मिश्रा ने कहा कि फिलहाल पूरी पार्टी का फोकस है कि अरविंद केजरीवाल की 13 मार्च को प्रस्तावित रैली को सफल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अब तक राजस्थान में आम आदमी पार्टी की 4.25 लाख से अधिक लोगों ने सदस्यता ले ली है। मार्च के अंत तक हर हाल में प्रदेश की टीम घोषित की जाएगी। इसके बाद विधानसभा और गाँव तक पार्टी का संगठन खड़ा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक को कॉपी कर राजस्थान सरकार ने जनता क्लिनिक तो शुरू किए, लेकिन यह योजना फेल हो चुकी है। राजस्थान के मुखिया केवल अपनी कुर्सी के चक्कर में विधायकों को भ्रष्टाचार की खुली छूट दे रखी है और विधायकों की सुविधाओं पर ही ध्यान दिया जा रहा है। जनता की सुविधा साइड कर दी गई है, जिसका खामियाजा कांग्रेस भुगतेगी। वहीं भाजपा भी कमजोर विपक्ष के रूप में साबित हुई है। अब राजस्थान की जनता के सामने केवल आम आदमी पार्टी ही तीसरे विकल्प के रूप में मौजूद है, जो अपनी ईमानदार छवि और जनहितैषी नीतियों से राजस्थान की राजनीति में बड़ा उलटफेर करेगी। इस खबर को देख आप क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और इसी तरह की खबर देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए न्यूज डेस्क से हिमानी की रिपोर्ट।